किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए उसके बारे में चर्चा करें। अभी समय है और हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद इसके ऊपर और ज़्यादा चिंतन किया जाए। कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जो वरिष्ठ नेतागण हैं कांग्रेस के नेतागण हैं उनसे भी फीडबैक लिया तो बहुत आराम से, और जो सार्वजनिक रूप से जो मीटिंगों में सुझाव तो आए ही, लेकिन कोई अलग से भी अगर वो चाहते थे कि अलग से बात करें तो अलग से भी मिलने का समय निर्धारित किया था और बहुत विस्तार से सब लोगों से वार्ता हुई। एक अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, विशेष रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियां हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने में लोग उसमें प्रसन्न हैं, तो ये सब मिला जुला के बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला है। और जो कार्यकर्ताओं ने कोई बात कही है किसी के बारे में उसका भी पूरा संज्ञान हमने लिया। पूरे बस्तर में इसका कांग्रेस काबिज है, क्या विधायकों के प्रति कोई एंटी टेंडेंसी दिखाई दी, और या आपने जब पूरा दौरा किया तो विधायकों की परफॉर्मेंस का भी कोई आकलन हुआ, किसी की कोई शिकायत या कोई? देखिए, जब भी दौरा होता है तो जो विधायक हैं सांसद हैं उनके बारे में लोग अवश्य चर्चा करते हैं और हम भी उसका संज्ञान लेते हैं। अभी एंटी इनकम्बेंसी के बारे में जो चर्चा करें या किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए उसके बारे में चर्चा करें, अभी समय है और हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद इसके ऊपर और ज़्यादा चिंतन किया जाए, सूचना एकत्रित की जाए, फीडबैक लिया जाए। आपने कहा था आदिवासी आरक्षण को लेकर कुर्बानी भी देनी पड़े तो दी जाएगी, किसकी कुर्बानी की बात है? नहीं, कुर्बानी की बात नहीं है। जो आदिवासी लोगों के लिए आरक्षण वो हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा और उसके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। 4 साल बाद तोहफा मिला है, दिख ही रहा है जिस तरीके से जमावड़ा है, कैसे देखते हैं? कुछ नाम ऐसे भी हैं जिससे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।